नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का ये वीडियो सभी रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, एचआरएमएस का एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो सभी रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खासकर जो न्यू अपॉइंटी है उनके लिए। तो खासकर एक बहुत ही यूजफुल फीचर एचआरएमएस ने एक बनाया है और वो सभी के बहुत काम आने वाला है। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइज मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरवा टेक पर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एचआरएमएस के माध्यम से कैसे अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ सकते हैं। जब भी कोई न्यू कर्मचारी रेल में भर्ती होता है तो वो सबसे पहले ट्रांसफर के लिए मांग करता है, अगर कोई भी जिसका दूर घर है तो, ठीक है ना। तो वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफर किस तरीके से फाइंड करे उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। ऑन रिक्वेस्ट तो जल्दी से ट्रांसफर होता नहीं है, लेकिन म्यूचुअल में इस तरीके की दिक्कत नहीं होती है। तो वो अपना म्यूचुअल पार्टनर किस तरीके से फाउंड करे, तो गाइस एचआरएमएस ने खुद ने अपना एक फीचर बनाया है जिसमें आप अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ सकते हैं और आप भी अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं कहीं पर म्यूचुअल जाने के लिए। तो उस डिवीजन या यूनिट का बंदा भी आपको ढूंढ सकता है, आप उससे फोन पर बात कर सकते हैं और अपना म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं। तो गाइस इस खास फीचर के बारे में, बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा और आपको एक ट्यूटोरियल देके बताऊंगा कि किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं आपका म्यूचुअल पार्टनर। तो गाइस सबसे पहले तो क्रिस को बहुत बहुत धन्यवाद इस फीचर को बनाने के लिए, ये बहुत ही नए रेल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिनको म्यूचुअल पार्टनर ढूंढना है। तो गाइस सबसे पहले तो इसमें आपको अपना एक इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि आप भाई कहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर जाना चाहते हैं, ठीक है, और उसको आप बाद में अनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो। दूसरा इसमें होता है कि आप म्यूचुअल पार्टनर फाइंड कर सकते हो, जितने लोग भी इंटरेस्ट उसमें शो करे रहेंगे आपकी यूनिट के लिए तो आप उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए पर्टिकुलर बंदों को ही फाइंड कर पाओगे। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप किस तरीके से अपना म्यूचुअल पार्टनर फाइंड करोगे। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको एचआरएमएस में लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको इस IRHRMS ESS वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जाना है। ये वाला आपका म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सप्रेस इंटरेस्ट ऑब्लिक सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफर, इस ऑप्शन पर जाकर आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं और अपना प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफर पार्टनर ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको न्यू एप्लीकेशन भी सबमिट करने का ऑप्शन आता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि आप अपना म्यूचुअल पार्टनर किस तरीके से ढूंढेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफर और दूसरा है एक्सप्रेस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्सप्रेस इंटरेस्ट की, इसका क्या मतलब है, इस पर हम बाद में आएंगे। तो हम एक्सप्रेस इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, अगर इस डिटेल में कुछ कमी है तो आप अपने डीलिंग क्लर्क से जाके सही करवा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना ये मोबाइल नंबर भी चेक कर लेना कि सही है या गलत है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफर सूट टू, यानी कि आप कहाँ के लिए ट्रांसफर चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको इंटरेस्ट यहाँ पर शो करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको जोन सेलेक्ट करना है कि किस जोन के लिए आप जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ पे NWR के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे NWR सेलेक्ट कर लूंगा। और NWR की भी किस यूनिट के लिए आप जाना चाहते हैं, आप अजमेर डिवीजन जाना चाहते हैं, बीकानेर जाना चाहते हैं, जयपुर जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे जयपुर जाना है तो मैं इस जयपुर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिमार्क देना है, जो भी आपका कुछ रिमार्क है, आपकी कुछ कंडीशन है, उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे एक टेस्ट लिख देता हूँ और लिखने के बाद यहाँ पर उसे सबमिट करना है, ठीक है। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर यस पे क्लिक करता हूँ। सबमिट होने के बाद इस प्रीवियस एंट्रीज में आपने जितने भी इंटरेस्ट एक्सप्रेस किए वो सबकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसका एक पर्टिकुलर आईडी भी रहेगा, किस जोन से किस डिवीजन के लिए किया है, किस जोन में किस डिवीजन के लिए किया है वो भी रहेगा। उसका स्टेटस क्या है वो भी दिखाएगा और यहाँ से आप उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको ये फीचर देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से तो आप शो करेंगे अपना इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफर की, कि आप यहाँ पर जाकर अपना म्यूचुअल पार्टनर किस तरीके से सर्च करोगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्रॉम और यहाँ पे आता है टू, यानी कि किस जोन से किस जोन के लिए आपको पार्टनर ढूंढना है, ठीक है गाइज।
तो सबसे पहले तो जहां से आपको पार्टनर ढूंढना है, जिस जोन के लिए आप जाना चाहते हैं, तो उस वाले पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे NWR जाना है, तो मैं NWR सेलेक्ट करता हूँ। उसकी किस रेलवे यूनिट से कोई बंदा चाहिए, अगर आल चाहिए तो आल पे क्लिक करेंगे, और वहां से कौन बंदा यहाँ पे आना चाहता है मेरी यूनिट में, तो वो वाली मैं यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट कर लूंगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद फैच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिखने लग जाएगी, उन एम्प्लॉय की लिस्ट दिखने लग जाएगी जो NWR से NCR हेडक्वार्टर में आना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप जैसे ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आएगी वो सारे एम्प्लॉय NWR से NCR में आना चाहते हैं, उन सबकी लिस्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम वगैरह रहेगा, डेजिग्नेशन जो भी है, कहाँ से कहाँ को आना चाहता है, उसका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये वाला ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो आप उसको मोबाइल पर फोन करके बात कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप अपना म्यूचुअल पार्टनर फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एक्सप्रेस इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है HRMS के म्यूचुअल ट्रांसफर मॉड्यूल का, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत काम में आना वाला है। तो गाइज इसमें धीरे धीरे जब लोग अपना इंटरेस्ट शो करने लगेंगे तब आपको एम्प्लॉय की लिस्ट मिलने लग जाएगी। तो आई होप गाइज वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।